हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज उत्तर प्रदेश इटावा से बहुत बड़ी अखबार की अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती निरस्त करने की मांग की जा रही है। दोस्तों कुछ लोगों का मत है कि इसमें धांधलेबाजी होने की वजह से पेपर लीक हो गया दोस्तों, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं इस न्यूज को दोस्तों पूरी, ठीक है। समाचार निर्देश इटावा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की आंसर की देखने के बाद परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को निरस्त करने का मूड बना लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपी की ओर से यूपी पुलिस SI और PSC प्लाटून कमांडर के 9534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नवंबर से 2 दिसंबर तक 2021 के बीच 3 शिफ्टों में किया गया था दोस्तों, ठीक है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर धांधली हुई और कोई व्यक्ति पकड़े भी गए, जिसके फलस्वरूप आयोग आगे और योग पीछे हो गए हैं। इसी विरोधाभास के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इस परीक्षा को निरस्त कर पुनः कड़ी सुरक्षा व अच्छी निष्ठा के साथ कराने का कष्ट करें। ट्विटर कंप्लीट सोशल मीडिया नेटवर्क एवं विभिन्न स्थानों पर आंदोलन करके युवा इस मांग को लेकर अड़े हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना की न्यू अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।